जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हीट फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ अ लोअर टेम्परेचर, हीट हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटीरियल पार्टिकल, एटम खुद मॉलिक्यूल खुद मूव कर करके जाता है, जैसे कन्वेक्शनल विंड चलती हैं। तो आपकी धरती गर्म हुई, हवा के मॉलिक्यूल पास आए, वो भी गर्म हुए, गर्म मॉलिक्यूल हल्के हैं वो ऊपर चले गए, मॉलिक्यूल खुद हीट को लेके गए और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ गए, तो विंड चलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है इसमें। इसके अंदर नेचुरल कन्वेक्शन एक है, जैसे नेचुरली डेंसिटीज में फर्क आ जाता है, वैसे एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी का फर्क इसलिए आता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ग्राउंड गर्म हुआ, एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, वो हल्के हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं, और हायर डेंसिटी के मॉलिक्यूल ठंडे, वो नीचे आ जाते हैं, तो इसलिए हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये नेचुरल है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है। नेचुरली हीट आई, नेचुरली मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, नेचुरली ऊपर गए, ठंडे ने नेचुरली उनकी जगह ली और काम खत्म हो गया। एक है फोर्स्ड, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं रूम में आया, मैंने ब्लोअर ले आया, गर्म 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 हवा फेंक रहा हूं। अब मॉलिक्यूल को मैं नेचुरली गर्म नहीं करा रहा, गर्म मॉलिक्यूल ही पैदा करके फेंके जा रहा हूं। अब वो कहां आएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे और ठंडी हवा जो है उनका उनकी जगह लेनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जबरदस्ती ब्लोअर के थ्रू या किसी और मटेरियल के थ्रू मॉलिक्यूल को गर्म करना और जबरदस्ती ठंडे मॉलिक्यूल का नीचे आना, तो इस तरीके से हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्लियर है? तो फिनोमेना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन में क्या है, कहां कहां यूज होती है थर्मल कन्वेक्शन? इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हार्ट पंप्स एंड सर्कुलेट ब्लड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ट्रांसफरिंग हीट बाय फोर्स कन्वेक्शन। हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट करवाया जा रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रही है, वो एनर्जी दे रहा है, गर्म मॉलिक्यूल हैं खून के, वो मूव करते हैं, ठंडे उनकी जगह लेते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, हार्ट हेल्प कर रहा है कन्वेक्शन के प्रोसेस को करने में, जिससे जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स, मौसम खराब होता है, हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गई, तो ट्रेड विंड्स। लैंड एंड सी ब्रीजेस, वही गर्म और ठंडे का सेम कॉन्सेप्ट है कन्वेक्शन। मॉनसून, कन्वेक्शन का प्रोसेस है, मॉनसून कैसे आता है सबको पता ही है, कन्वेक्शन का प्रोसेस है।